अकेला सब पर भारी, फेल हो गई विरोधियों की तैयारी। योगी ने कर दी सबकी छुट्टी, कोई नहीं है योगी जैसा। यूपी में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे योगी विरोधियों को तगड़ा झटका लगा है। जिस दिल्ली दरबार से उनको ढेरों उम्मीदें थी, उसने भी योगी को हटाने या नसीहत देने की हिम्मत नहीं दिखाई। दिखाते भी कैसे, योगी जो ठहरे योगी, वही योगी जो सब पर भारी है, जो यूपी में इस वक्त बीजेपी की पहचान बन चुके हैं, जिनके बुलडोजर मॉडल की हर जगह मिसाल दी जाती है। पड़ोसी राज्यों की जनता भी जिन्हें अपने शासक के रूप में देखना चाहती है। भला ऐसे नेता को हटाने की कोई सोच भी कैसे सकता है। लिहाजा आला कमान ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। अगर आला कमान ऐसा नहीं करता तो संभव था कि बगावत का झंडा, जो आज तक उनके खिलाफ किसी ने उठाने की जरूरत नहीं दिखाई, अचानक वो फहराने लगता और कब उसमें बाढ़ आ जाती, ये खुद दिल्ली के दरबार वाले नहीं समझ पाते। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2017 में लिए चलते हैं, जहां से यूपी में योगी राज की शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा साल 2017 में जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया था, उस वक्त सीएम पद की रेस में कई नाम शामिल थे। योगी का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। पीएम मोदी मनोज सिन्हा को सीएम पद की कुर्सी पर काबिज करना चाहते थे और तय भी हो गया था। बकायदा मनोज सिन्हा ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में मत्था भी टेक लिया था और बस अपने नाम के औपचारिक ऐलान का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। योगी की सुनामी के आगे मुख्यमंत्री के रेस में चल रहे सारे नाम हवा हो गए और योगी ने यूपी की सत्ता संभाल ली। यूपी में योगी के सत्ता संभालते ही मानो दिल्ली दरबार के दखल का अध्याय लगभग खत्म हो गया। अपने दबंग अंदाज और स्वच्छ शासन के चलते बुलडोजर बाबा ने जल्दी ही यूपी में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसने उनके कद को मोदी के लगभग बराबर ला दिया। कहा तो ये तक जाने लगा कि मोदी के बाद अगर कोई पीएम पद का दावेदार है तो वो योगी है और मोदी के बाद वो ही पीएम पद संभालेंगे। बस कहानी यहीं से शुरू हो गई। कहा जाता है कि तब से ही गुजरात लॉबी योगी को डाउन करने में जुटी रही। हमारा इशारा किस ओर है बताने की जरूरत नहीं, लेकिन योगी के चट्टानी हौसले और फौलादी सोच ने विरोधियों की हवा निकाल दी और एक के बाद एक चुनाव में ऐसा डंका बजाया कि उनका कद बढ़ता ही चला गया और विरोधी केवल ताकते रह गए। 2017 के बाद 2022 में भी योगी बीजेपी को दोबारा सत्ता में ले आए, वो भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार के साथ। लिहाजा विरोधियों को उन्हें डिगाने की हिम्मत का एक बार सपना फिर तोड़ना पड़ा। हालांकि इस दौरान गुजरात लॉबी ने दूसरे नेताओं को योगी के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश जरूर की, लेकिन कोई योगी के कद तक पहुंच नहीं पाया। विधायकों पर उनकी पकड़ और सरकार चलाने की उनकी क्षमता के आगे सब नतमस्तक नजर आए। योगी के इस बढ़ते कद ने विरोधियों की टेंशन और बढ़ा दी। विरोधी मौके की तलाश में थे और आखिरकार 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उन्हें एक बड़ा मौका दे दिया। बस फिर क्या था, सियासी बिसात पर शह और मात देने का काम फिर से खेला जाने लगा। केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं को खुलकर बैटिंग करने के लिए कहा गया। दूसरे मोहरे भी सेट किए गए। सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जाने लगे। आला नेताओं को लखनऊ भेजकर सियासी मिजाज भापा जाने लगा। लेकिन एक बार फिर योगी ने दिखा दिया कि विरोधी कितनी भी ताकत लगा दें, उन्हें कोई डिगा नहीं सकता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जो मोदी और शाह किसी को भी चुटकियों में हटा देते थे, आखिरकार वो चाह कर भी योगी को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये, योगी की कट्टर हिंदूवादी छवि, जो बीजेपी का मूल आधार है। सीएम योगी को कट्टर हिंदूवादी नेता कहा जाता है। यूपी बीजेपी में उनके टक्कर का कोई हिंदूवादी नेता नहीं है, लिहाजा सीएम योगी को हटाना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और दूसरा कारण जिसके चलते आला कमान में बैठे विरोधी लॉबी योगी को हटा नहीं पा रही है, वो है स्वच्छ, ईमानदार और कुशल प्रशासक की छवि। यूपी बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस छवि का हो। सीएम योगी ने जिस तरह लोगों के बीच बीजेपी को लेकर विश्वास पैदा किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। माफिया राज खत्म करके योगी ने व्यापारियों और आम लोगों के जीवन में सुकून ला दिया है। हिंदू मुस्लिम के दंगे जो कभी हुआ करते थे, अब उनकी कहीं चर्चा भी नहीं होती। योगी राज में उपद्रवियों पर भी ऐसी लगाम लगाई गई है कि वो बिल में दुबक गए हैं। लिहाजा यूपी में बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस कद का हो।
जो इस तरह से सत्ता का संचालन कर सके। लिहाजा दिल्ली दरबार चाह कर भी योगी को कुर्सी से नहीं हटा पा रहा। यही नहीं, एक बात और है कि अगर योगी को छेड़ने की कोशिश होती भी है तो आशंका इस बात की है कि जिन राज्यों में मुख्यमंत्री इस लॉबी ने बदले हैं वहां के नेता योगी के साथ खड़े हो सकते हैं और फिर जो होगा वो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं। यानी हर तरफ से योगी फिलहाल सब पर भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, शेष चौधरी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।